राम रहीम की राजदार हनीप्रीत पुलिस की गिरफ्त में है। कल कोर्ट ने 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया था। अब पुलिस के सामने हनीप्रीत से सभी सवालों के जवाब जानने की चुनौती है। सवाल यह है कि 38 दिन तक हनीप्रीत कहां रही, पुलिस से बचने में उसकी मदद किन लोगों ने की, राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा में उसकी क्या भूमिका है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हरियाणा के पुलिस हनीप्रीत को आज पंचकुला से बठिंडा लेकर जा रही है। हनीप्रीत को बठिंडा इसलिए लेकर जाया जा रहा है क्योंकि उसके साथ गिरफ्तार किए गए सुखदीप का घर बठिंडा में ही है। माना जा रहा है कि सुखदीप ने भी हनीप्रीत को कुछ दिन के लिए छिपा रखा था। सूत्रों के मुताबिक सुखदीप का पति इकबाल सिंह डेरे से जुड़े कई मामलों में वो जुड़ा रहा है, कई सालों से वो डेरे में काम करता रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह सेक्टर 23 के थाने से सेक्टर 20 के थाने में पहले हनीप्रीत को ले जाया गया और फिर सेक्टर 20 के थाने से बठिंडा लेकर जा रही है हरियाणा की पुलिस, क्योंकि तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब हनीप्रीत से चाहिए। लेकिन अब तक जितनी भी पूछताछ हुई है उसमें सहयोग हनीप्रीत की ओर से नहीं किया गया है, ये जानकारी भी पुलिस के हवाले से निकलकर सामने आई है। पंचकुला दंगा मामले में भी जांच तेज हो गई है, यही वजह है कि बठिंडा लेकर जाया जा रहा है हनीप्रीत को। इस वक्त हम पंचकुला से बठिंडा की ओर जाने वाले रूट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे आगे जो गाड़ी जा रही है वो हरियाणा पुलिस की गाड़ी है और उसके अंदर हनीप्रीत मौजूद है। हनीप्रीत वो है जो राम रहीम की बेहद खास और बड़ी राजदार है। हनीप्रीत से हरियाणा पुलिस कई अहम सबूत जुटाना चाहती है। हरियाणा पुलिस का साफ कहना था कोर्ट के अंदर कि हनीप्रीत का जो मोबाइल है वो हमें रिकवर करना है और साथ ही ये भी जानना है कि आखिरकार 38 दिनों तक हनीप्रीत कहाँ गायब रही, उसकी किसने सहायता की और साथ ही कौन से ऐसे कागजात हैं जो अभी फिलहाल गायब हैं। आप देख सकते हैं कि आगे हनीप्रीत को आप देख रहे हैं, चुन्नी जो है पिंक कलर की उसने पहनी हुई है और साथ ही स्वात कमांडोज जो है वो आप देख सकते हैं। यह वो रूट है जो पंचकुला से बठिंडा की ओर जाता है। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिरकार कहां हनीप्रीत को ले जाया जा रहा है, पर फिलहाल बात की जाए तो 90% ये जानकारी मिली है कि हनीप्रीत को पहले बठिंडा ले जाया जाएगा। बठिंडा वो जगह है जहां हनीप्रीत कई दिनों तक डेरा समर्थक सुखदीप के साथ रुकी थी। ये वो महिला है सुखदीप जिसको हनीप्रीत के साथ गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर जो है हरियाणा पुलिस के जवानों के बीचों बीच जो है हनीप्रीत बैठी हुई है। तस्वीरों में साफ क्लियर आपको नजर आएगा। लगातार एबीपी न्यूज हनीप्रीत की गाड़ी को फॉलो कर रहा है, देख रहा है कि आखिरकार वो कहां जाने वाले हैं। पुलिस जो है फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और कई अहम जो राज हैं वो उगलवाने की कोशिश करेगी। तो अब देखना होगा कि आखिरकार क्या राज निकलकर सामने आते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ विवेक शर्मा, एबीपी न्यूज। तो तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए हरियाणा की पुलिस को हनीप्रीत से, और इसी वजह से जगह जगह लेकर उससे जाया जा रहा है। 38 दिनों तक कहां थी, किसके साथ थी, कौन कौन से मजबूत महत्वपूर्ण कागजात उसके पास हैं और साथ ही उसका मोबाइल फोन कहां है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।